नमस्कार दोस्तों, रामकलास यादव। दोस्तों, हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि अगर हम दूध डेयरी चला रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे हमें दूध डेयरी में नुकसान न हो, घाटा न हो, हमेशा जो है हम फायदे में बिजनेस करें और फायदे में दूध खरीदारी करें। तो इसमें आपको ऐसे 9 बातों का ध्यान रखना है। वो 9 बातें ऐसा क्या है, आज हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो इसी बात वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आल पर जो आता है नोटिफिकेशन का जो घंटी दिखती है तो आल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो हम आते हैं अपने मेन टॉपिक्स पर कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, 9 ऐसे टॉपिक्स हैं, मेन हैं, जिसे आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप यही 9 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको दूध डेयरी में कभी भी घाटा, कभी भी नुकसान नहीं होगा। सबसे पहला नंबर है कि दूध डेयरी की जो मशीन होती है उसे सही समय पर सर्विस सेंटर पर भेज देना और उसको सर्विस करवा लेना। क्योंकि अगर आप सही समय पर सर्विस नहीं करवाते तब उसमें आपको दिक्कत देखने को मिल सकता है, फैट स्नैप घट सकता है और बढ़ भी सकता है, तो इसमें आपको कोई नुकसान हो सकता है। जो दूसरा पॉइंट होता है, अगर आप सर्विस सेंटर से मशीन को ला दिए हैं, लाने के बाद भी आपको मशीन का फैट स्नैप देखना है, दूध जो आप लगाते हैं उसका फैट स्नैप कंप्लीट आता है या बढ़ा है या घटा है। जैसे कि आप दूध खरीद लिए हैं, दूध खरीदने के बाद जैसे आप दूध खरीदते हैं तो टोटल डिस्पेज होता है, वहाँ लिखा रहता है आपके रजिस्टर में कि इतना फैट और इतना स्नैप है, और वहाँ दूध भेज दिए तो जितना आप भेजे हैं उतना फैट स्नैप वहाँ निकलना चाहिए। अगर उतना फैट स्नैप नहीं निकलता तो उसमें क्या है कि आपके पैसे कट जाते हैं, तो ये भी आपको खास ध्यान रखना है। और जो तीसरा है, तीसरा जो पॉइंट आता है वो यही है कि पेमेंट आने के, जैसे आपका पेमेंट आ जाता है तो तुरंत ही उसका जो बिल होता है पेमेंट का, बिल को भी आपको मंगवा लेना है, उसमें देखना है बिल में कि हमारा पैसा कहीं कटा तो नहीं है, कहीं पेनल्टी लग जाती है तो कहीं पर ऐसा देखा जाता है कि आपने कोई वस्तु वहां से लिया है, घी हो गया, पशुहार हो गया, ये सारी चीज़ें भी वहां आपको देखने को मिलेगा। वो जो बिल रहेगा उस बिल में लिखा रहता है। ऐसा भी हो जाता है कि बिल आप नहीं देखते तो आपको दे दिया गया पैसा आ गया और आप बिल का ध्यान नहीं दिए तो उसमें भी आपका पैसा घट बढ़ सकता है, कहीं भी आपका पैसा कट सकता है, तो आपको पता नहीं चलेगा। और जो चौथा पॉइंट आता है, वो चौथा पॉइंट ये है कि जब भी आप दूध खरीदें तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि कोई किसान भाई बासी दूध ना दे दे, खराब दूध ना दे दे। अगर कोई किसान भाई बासी दूध देता है, खराब दूध देता है, इससे क्या है आपका जो केन का जितना भी दूध होगा वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, तो उसका पैसा आपका कट जाता है, ऊपर से आपको पेनल्टी भी शायद लगा देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। जब भी दूध खरीदें उसको चेक कर लें, सूंघ लें, तो अच्छी तरह से दूध का कलेक्शन करें जिससे आपका दूध खराब ना हो। और जो पाँचवा पॉइंट है, पाँचवा नंबर का, वो यही है कि ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है कि 0-0 रेट आ जाता है, कि जो आपका मानक होता है फैट का वो फैट से 1 पॉइंट भी कम है, स्नैप से 1 पॉइंट कम है, तो फैट का रेट नहीं बताता। जब रेट नहीं बताता वो लोग भी आप ले लेते हैं, तो इसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। कई कारण हो सकते हैं न बताने का उसमें, कि जैसे हल्का फुल्का पानी डाल दिए थोड़ा, 50 ग्राम 100 ग्राम, उससे भी फैट डाउन हो जाता है। और गाय का भी अक्सर होता है कि गाय का कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, कुछ गाय ऐसी होती हैं जिसका फैट और स्नैप बहुत लो होता है, तो बहुत ज़्यादा लो हो तो ऐसा खरीदारी भी नहीं करना है। जिससे अगर ये ऐसा आप खरीदारी करते हैं, मान लीजिए 2 फेड का दूध है आपके पास, किसान का है, अगर आप ये ले लेते हैं तो आपका जो दूध है पहले वाला उसका भी फैट और स्नैप डाउन कर देगा, कम हो जाएगा उससे भी लेवल में, उसमें भी आपको घाटा हो सकता है। मान लीजिए 1-1 पॉइंट अगर कम है तो आपकी इच्छा, आप ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो इसमें आपको कोई खास नुकसान देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब भी अगर ज़्यादा अगर फैट उसका लो है, 2 फैट का है, तब उस समय क्या है कि आपका घाटा हो जाएगा,
और वहाँ जो फेट आपका टोटल होता है उसमें भी बहुत सारे जो है फेट का लाइन टूट जाएगा, उसमें आपको पैसा कट जाएगा। और जो छठा नंबर का आता है यही है कि अपने किसान भाई को हमें जो है चाहिए कि सही समय पर पेमेंट कर देना। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कुछ जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है कि किसान भाई को बहुत परेशानी का दिक्कत करना पड़ता है कि वो लोग सही समय पर पेमेंट नहीं पाते। अगर किसान भाई सही समय पर पेमेंट नहीं पाते हैं तो उस समय भी आपको दूध भी नहीं देंगे, बहुत तरह तरह की भी दिक्कत आपको देखने को मिल सकता है। और जो सातवां पॉइंट आता है कि आपकी जो मशीन है दूध डेयरी की मशीन है, उस मशीन को हमेशा जो है पर डे जो केमिकल आपको मिला होगा, पर डे का होता है, साप्ताहिक होता है, मंथली होता है, यानी कुछ ऐसा केमिकल आपको दिया जाता है जो साफ सफाई करने के लिए आता है, एक केमिकल होता है जो पर डे आप लगा सकते हैं, दूसरा केमिकल दिया जाएगा सप्ताह में एक बार लगाना है, और जो तीसरा केमिकल होता है वो मंथ में यानी एक महीने में एक बार लगाया जाता है। इससे भी क्या है कि मशीन की अच्छी तरह से साफ सफाई रहेगी, इसमें आपका जो फैट होगा स्नेप होगा बिल्कुल नहीं टूटेगा, बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा, बिल्कुल एकदम सही चलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उसमें भी आपका फैट और स्नेप कम हो जाएगा, इसमें भी आपका घट सकता है बढ़ सकता है, तो ऐसा काम नहीं करना है, ये आपको खास ध्यान रखना है। आठवां जो पॉइंट आता है वो है जंपिंग रेट। जंपिंग रेट शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि जंपिंग रेट काम किस तरह करता है क्या। तो जैसे आप दूध डेयरी चला रहे हैं तो आपके वहां पर कभी कभी ऐसा होता है गर्मी के मौसम में उनको दूध की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तब ये जंपिंग रेट लगाते हैं। जंपिंग रेट यही होता है कि जैसे आपका वो जंपिंग रेट लगा दिए हैं तो लीटर के पीछे उसमें 6 फेट 6.5 फेट 7 फेट का कुछ का मानक होता है, जैसे उस मानक के हिसाब से ऐसा सेट कर दिया जाता है कि अगर 6.5 फेट पर जंपिंग रेट सेट किया है तो उसमें भी मान लो किसी का 8 फेट आ गया, 10 फेट आ गया, तो उसमें क्या है कि एकाएक जो है 10 रुपया 12 रुपया 5 रुपया लीटर पीछे बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा वो ज़्यादा, उसे जंपिंग रेट कहते हैं। ये जंपिंग रेट आपको तभी मिलेगा जब 6.5 फेट का टोटल दूध आपका 6.5 फेट को वहाँ उतरेगा जहाँ पर आपका चिलिंग सेंटर पर दूध जाता है, तभी जो है आपका रेट पूरा ये मिलेगा। अगर कहाँ से उतरेगा, जैसे आपका फेट कम है, 3 फेट का 4 फेट 5 फेट का दूध है, उसके अंदर अगर आप 6.5 फेट 8 फेट का दूध है 2-4 लीटर 5 लीटर डाल देते हैं, 10 लीटर डाल देते हैं, तो इतना रेट इतना फैट इसने वहाँ नहीं बताएगा। अगर वहाँ नहीं बताता तो आपको रेट नहीं मिलेगा, जो उसमें जंप किया हुआ रेट है 5 से 10 रुपया तो वो आपको कट जाता है, वो आपको नहीं मिलता। ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब ऐसा होता है तो वहां पर डेयरी में ऐसा भी कर देते हैं कि इतना फैट का दूध हो तो उसको अलग रखना है, इसीलिए बोलते हैं लोग कि अलग रखना है, लेकिन कहीं कहीं पर अलग नहीं रखते, एक में ही मिक्स करके दूध को ले जाते हैं, लेकिन वो वीएलसी वालों को नहीं बताते कि इसमें ऐसा ऐसा दिक्कत है, ऐसा सब कुछ है, तो वीएलसी वालों को पता नहीं चल पाता। जो नौवां पॉइंट है, जब भी आप अपने दूध का कलेक्शन कर रहे हैं, कभी कभी देखने को मिलता है कि आपने दूध यहाँ से 50 लीटर भेज दिया और वहाँ पर उतर रहा है 42 लीटर 48 लीटर 2 लीटर 3 लीटर दूध कम हो जा रहा है, घट जा रहा है, तो इसमें भी आपको खास ध्यान रखना है। किस तरह से आप ध्यान रखना है, जब आप कलेक्शन कर लेते हैं पूरा दूध का, जितनी भी आपका दूध जितना आता है, कलेक्शन करने के बाद जब आप दूध का टोटल पर्ची निकलती है, टोटल दूध आपका कितना है इतना पूरा टोटल लिख लिए, उसके बाद ड्राइवर के सामने आपका जितना भी दूध है उस दूध को वजन करके उस ड्राइवर को दें। इससे क्या होगा कि जब ड्राइवर अपने सामने जो है दूध को तौल करके वजन करके ले जाएगा तब वो कभी भी ऐसा कम नहीं होगा। ऐसा भी देखने को मिलता है कि कभी ड्राइवर भी चोरी कर लेते हैं, ऐसा भी देखने को मिला है कि सुपरवाइजर भी ड्राइवर मिले रहते हैं, उसमें भी हर जगह पर नहीं है लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिलता है कि सुपरवाइजर भी मिले रहते हैं, ड्राइवर भी मिले रहते हैं, और आपके मान लीजिए उनके पास तो कभी कभी 40 केन होता है दूध, कभी 35 केन दूध होता है, अगर सभी केन में से 2-2 लीटर निकाल लेते हैं तो ऐसे भी करके वो चोरी करते हैं, तो इससे आप बच सकते हैं, आपका दूध नहीं निकाल पाएगा क्योंकि आप उसके सामने दूध वजन करके देंगे तो उसको भी ऐसा लगेगा नहीं भाई वो तो हम उसके सामने दूध वजन करके लिए हैं, तो उस दूध को हम कम नहीं कर सकते। तो यही तरीका है एकदम सक्सेस का, जिसमें आपको घाटा नहीं होगा, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो
तो दोस्तों अगर आपका मन कोई सवाल या सुझाव रहता है तो आप में नीचे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक बनता है लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर हमारे को अच्छा वीडियो अपलोड होगा।